हम आ रहे थे तो रास्ते में एक किला जैसा कुछ दिखा, यहाँ ने मालूम चला ये समाधि बीजा राव पेशवा प्रथम रेवा खेड़ी का है। और हमें आते ही वो मिल गया, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये समाधि पेशवा की है, एक प्रसिद्ध भारतीय सेनानी थे वो, चतुर्थ मराठा छत्रपति साहू जी पेशवा थे। उनकी समाधि 1740 में 39 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, तो उनके वफादारों ने ग्वालियर के सिंधिया ने यहाँ इनकी समाधि बनवा दी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे धन्यवाद। चलिए हम आपको यहाँ की बाजीराव पेशवा की समाधि दिखाते हैं। ये नर्मदा तट के पास ही है, इस बगल में नर्मदा जी बह रही हैं। ये बीच बीच पीपल का ये हनुमान जी का मंदिर, छत पे किधर से जाना है? ये है समाधि, सॉरी ये शिवलिंग है। और ये चारों तरफ का दृश्य, ये किले जैसा ही है। पहले की समाधि बनाने के लिए भी कितना ज़्यादा चीज़ें बनवानी पड़ती थी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए कितना सुंदर, सब जगह झरोखा लगा हुआ। पहले के राजा महाराजा जो बड़े लोग होते थे, उनकी जब समाधि भी बनाई जाती थी तो इतनी बड़ी बनाई जाती थी कि ये कभी भविष्य में एक स्थल बन सके, लोग वहाँ पे आ सके, याद कर सके कि ये किसकी समाधि है, या जान सके। ये बीच में इन्होंने समाधि बनाई है, उस पर शिवलिंग है और उसके चारों तरफ ऐसे बैठने के लिए या जिस कारण से भी ये एक कमरे टाइप के हॉल बना रखे हैं जो चारों तरफ ही घूमते हैं। यहाँ ऊपर जाने का भी रास्ता है, हम ऊपर भी चलते हैं। ऊपर भी ऐसे ही है,
पहले के राजा महाराजाओं को किला बनवाना होता था या समाधि या कुछ भी, तो वो जल का साधन सबसे पहले देखते थे। और ये रेवा नदी, ये नर्मदा नदी जल का सबसे अच्छा साधन है, इसीलिए इस नदी के किनारे किनारे बहुत सारे किले, समाधि, ऐसी जगह, ऐतिहासिक जगह बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अब हम चलते हैं बाहर। अगर एक चॉकलेट निकली तो तुम दोनों में से कौन किसको देना है, ये बताओ। तुमको नहीं, ये बताओ, अगर एक ही निकली, रुको 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 रुको, कौन लेगा पहले ये बता दो। तय तय कर लो, तुम लोगे। क्या नाम है, अपना नाम बताओ पहले। तनु। तनु, और तुम्हारा? तनु। ठीक है, नर्मदे हर बोलो। नर्मदे। नर्मदे। दो मिल गई ना। चलो ठीक है, जय सियाराम, नर्मदे।